हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे हेमेटेनिक्स का अगला पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे नए हेमेटेनिक ड्रग के एग्जांपल के बारे में। ये दो एग्जांपल होंगे आपके फोलिक एसिड और विटामिन B12, जिसे ही हम साइनोकोबालामिन कहते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन के पहले व्हाइट बोर्ड में हम देख लेते हैं फोलिक एसिड की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जो आपके जीपैट के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मेन एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन हमने जो आयरन का था वो काफी डिटेल से आपको दिया है, वो एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी का ड्रग है। तो फिर भी एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए हम फोलिक एसिड के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो क्या होते हैं हेमेटेनिक्स। हेमेटेनिक्स ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि आपके बॉडी में ब्लड के बनने के प्रोसेस को ट्रिगर करते हैं, ब्लड के बनने के प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं, ताकि आगे जा करके आपने जो एनेमिक कंडीशन की वजह से ये ड्रग लिया है, हेमेटेनिक्स लिया है, इसकी प्रॉब्लम ठीक कर सकें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन, इन हेमेटेनिक ड्रग की जरूरत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि यहां पे आपके साथ साथ आपके बूम्ब में डेवलप हो रहे फिटस को भी ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड की ज्यादा आवश्यकता होगी। तो ये जो हेमेटेनिक्स ड्रग है, ये एनीमिया के साथ साथ नॉर्मल हेल्थ सप्लीमेंट के लिए भी यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं फोलिक एसिड की, तो फोलिक एसिड वैसे तो अगर आप देखने की बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक येलो कलर के क्रिस्टल होते हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं फोलिक एसिड के सॉल्ट फॉर्म के बारे में बात करते हैं, तो ये वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होते हैं। तो यहां पे जीपैट का क्वेश्चन ये भी उठता है कि फोलिक एसिड इज वाटर सॉल्युबल और नॉट। तो अगर डायरेक्टली फोलिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं बिना उसके सॉल्ट के, तो इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। बट अगर आप फोलिक एसिड के सॉल्ट फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने स्टूडेंट्स में भी पढ़ा होगा सॉल्ट फॉर्म है, इसलिए ये वाटर में फ्रीली सॉल्युबल हो जाएगा। अगर हम दूसरा बात करते हैं इनके डाइट्री सोर्स की, तो ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट आपके सिलेबस के एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। आपके कौन-कौन से डाइट हैं जिनमें फोलिक एसिड का लेवल अच्छा होता है, और आपके बॉडी में जाने के बाद ये फोलिक एसिड बनाना स्टार्ट करते हैं और ये आपके जो ब्लड की कमी है इनको भी पूरा करते हैं। एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, तो इसमें वेज और नॉनवेज दोनों को इंक्लूड किया गया है। ये है लीवर, ग्रीन वेजिटेबल, एग, मीट, योग, और ये जो खास करके आप लास्ट में देख रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर फोलिक एसिड, दैट इज ईस्ट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो है कंटेंट, ये आपके बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ हेमेटेनिक्स, क्योंकि इन्हीं से मिलता है हमको फोलिक एसिड। तो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, दैट इज द रिक्वायरमेंट। आपको कितना फोलिक एसिड की जरूरत पड़ती है ताकि आपकी बॉडी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, एरिथ्रोपोएसिस के प्रोसेस को, हीमोपोएसिस के प्रोसेस को फॉलो कर सके। हमने ये भी डिस्कस किया है, एरिथ्रोपोएसिस करने का मतलब होता है बनने का प्रोसेस ऑफ आरबीसी। एरिथ्रोपोएसिस स्पेसिफिकली रिलेटेड होगा आपके रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी से। जबकि अगर हम बात करते हैं हीमोपोएसिस की, तो इसमें जितने भी ब्लड के कंपोनेंट हैं, प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, इनके ओवरऑल प्रोडक्शन की हम बात कर रहे होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बेसिकली फोलिक एसिड के रिक्वायरमेंट की, ताकि ये एरिथ्रोपोएसिस एज वेल एज हीमोपोएसिस, लेकिन मेजरली ये एरिथ्रोपोएसिस को इनिशिएट कर सके, तो इसका जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है। देखिए 0.1 mg के आसपास या इससे कम, मैक्सिमम है आपका 0.1 mg रिक्वायरमेंट अगर हम इसी को बात करते हैं। लेकिन कंडीशन अगर आप अप्लाई कर दें कि अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट है या वो लैक्टेटिंग है आफ्टर डिलीवरी, वो फीडिंग करा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है फोलिक एसिड का वो बढ़ जाता है। लॉजिकल बहुत सिंपल है, कितना बढ़ेगा, देखिए आप 0.5 mg पर डे के हिसाब से बढ़ेगा, यहाँ पे 0.1 है, वहाँ पे 0.8 है, तो रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है। व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट, ये बहुत ही कॉमन फैक्टर है जिसको आप लोगों ने जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा होगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक जो वुम्ब में फिटस डेवलप कर रहे हैं, उनकी बेसिक जो डाइट की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, अदर देन ऑल दिस थिंग्स, वे टोटली डिपेंड होते हैं मदर्स के, और एक मदर और फिटस के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है, दैट इज ए प्लेसेंटा। तो बेसिकली ये जो न्यूट्रिएंट है जो मदर यूज करती है, ये उस प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर होकर के इस डेवलपिंग फिटस तक पहुंचता है। इन दैट केस ब्लड की कमी हो सकती है, संभावना होते हैं, या अगर नहीं भी है कमी, तो भी उसको हेल्थ सप्लीमेंट मेंटेन करने के लिए आपने देखा होगा फोलिक एसिड और विटामिन B12 की जो प्रिस्क्रिप्शन है अंडर गाइडेंस ऑफ सुपरविजन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये उन प्रेग्नेंट वुमन को दिए जाते हैं। इवन आफ्टर डिलीवरी, इवन बिफोर द लैक्टेशन और ड्यूरिंग द लैक्टेशन भी ये ड्रग दी जाती है, ताकि आगे जाकर के उनके बॉडी में आयरन या आयरन के साथ साथ जो भी फोलिक एसिड है या आरबीसी बनाने वाले जो एलिमेंट हैं, इनकी कमी ना हो। तो ये जो दो पॉइंट हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अ बेसिक डाइट इज 0.1 mg लेस देन और इक्वल टू, और अगर आप बात करते हैं प्रेगनेंसी केस में, तो 0.8 mg पर डे के हिसाब से इसका रिक्वायरमेंट हो सकता है। अगला जो पॉइंट है वह है यूटिलाइजेशन, कि हम इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो देखिए फोलिक एसिड प्रेजेंट इन अ फूड एज पॉलीग्लूटामेट्स, जो फोलिक एसिड है, और हम इस फोलिक एसिड कंटेनिंग फूड को, जो कि आपने देखा लीवर, ग्रीन वेजिटेबल, ईस्ट, मीट,
इन सभी जो हम यूज करते हैं तो ये किस फॉर्म में होते हैं, ये होते हैं पॉलीग्लूटामेट के फॉर्म में। ये आपके जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी अदर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमने डिस्कस भी किया कि कैसे पता लगाएं कि कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है। तो आप खुद ही जब इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि इस पैराग्राफ में ये चीजें जो है वो अपने आप को बाकी पैराग्राफ के वर्ड से अलग करती हैं। तो दैट मीन्स इट कुड बी अ इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। अगला हम बात करते हैं तो है टोटल बॉडी का जो स्टोर होता है फोलेट वो कितना स्टोर होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकेशन की, पॉइंट टू पॉइंट, डिजिट, यूनिट या उनके अमाउंट या वैल्यू की। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। तो अगर हम देखें टोटल बॉडी स्टोर ऑफ फोलेट, जो फोलेट है हमारी बॉडी में कितना स्टोर होता है, तो ये है 5 to 10 mg। ये जो यूनिट है वो आप याद रखेंगे mg में है और 5 to 10 mg के हिसाब से हमारी बॉडी में इस चीज को स्टोर किया जाता है ताकि इन द केस ऑफ इमरजेंसी इनको यूज किया जा सके फॉर द एरिथ्रोपोएसिस एज वेल एज हीमोपोएसिस प्रोसेस के लिए। अगला जो पॉइंट है वो है मेटाबॉलिक फंक्शन। ये कैसे एक्टिवेट होते हैं, क्या ये पहले एक्टिवेट नहीं थे या इनका क्या फर्दर कॉन्सिक्वेंस होता है इन केस ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये भी पॉइंट टू पॉइंट हमने लिया हुआ है। और अगर आप पूछेंगे कि आज का जो टॉपिक है ये किस बुक से रेफरेंस लिया हुआ है, तो फिलहाल हमने हेमेटेनिस की पूरे टॉपिक को केडी त्रिपाठी और कंसेप्चुअल फार्माकोलॉजी बाय पी जगदीश प्रसाद के साथ साथ आपके पद्मजा उदय कुमार की बुक को भी टच करते हुए लिया है। बट मेजर पोर्शन हमारा केडी त्रिपाठी का लेटेस्ट एडिशन यानी कि 8th एडिशन है। तो देखिए ये इनएक्टिव होते हैं एज सच, अगर हम फोलिक एसिड को देंगे तो ये एज सच जैसा लिया गया वैसी कंडीशन में ये इनएक्टिव होते हैं। ये आगे जाकर के जितने रिड्यूस कंडीशन में होते हैं वो कोएंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से ये एक्टिवेट फॉर्म में हो जाते हैं, रिडक्शन इनका होता है और जाकर के ये अवेलेबल होते हैं काम करने के लिए। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू काम करते हैं, बेसिकली ये दो स्टेप में कन्वर्ट होते हैं या रिड्यूस होते हैं। ये देख लीजिए आप, पहला अगर हम बात करते हैं फोलिक एसिड का, तो ये फोलिक एसिड आगे जाकर के डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर ये डाइहाइड्रोफोलिक एसिड आगे जाकर के फोलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। ये देखिए आपका ये जो कन्वर्जन है वो किनके वजह से हुआ, ये हुआ फोलेट रिडक्टेस और डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस की वजह से। तो ये जो दो कॉन्सिक्वेंस एंजाइम है ये इन्हीं दोनों स्टेप्स को फॉलो करके इनको कन्वर्ट करते हैं ऐसे फॉर्म में जहां से इनका यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी द्वारा किया जा सके। तो ये उनके इंपॉर्टेंट कन्वर्जन स्टेप हो गए। अगला अगर हम बात करते हैं डेफिशिएंसी की, तो इस फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं व क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड होते हैं इनकी कमी से, तो ये भी देख लेते हैं। या यूं कहूं कि इनके रीजन क्या है, पहले हम बात करेंगे रीजन की फिर कमी के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट आर द बेसिक रीजन, बेसिक कॉज फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। पहला है बहुत ही सिंपल सा है, इलॉजिकल है, दैट इज इनएडिक्वेट डाइट। यानी कि कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर ऐसे डाइट कोई कंज्यूम कर रहा है जिसमें एक ही तरह के एलिमेंटल प्रोटीन्स या एलिमेंटल कार्बोहाइड्रेट वो एलिमेंट प्रेजेंट हो जिनमें आगे जाकर के आप फोलिक एसिड बनाने की डेवलपमेंट करने की एबिलिटी ना हो, या यूं कहो कि सादा जीवन वाले फूड जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट बैलेंस अमाउंट में नहीं होते हैं, बैलेंस डाइट नहीं होता, ऐसे केस के कारण से हम बोलते हैं इनएडिक्वेट डाइट जिसमें आपके फोलिक एसिड बनाने की कैपेबिलिटी ना हो। जैसे एग्जांपल की अगर बात करेंगे लीवर, ग्रीन वेजिटेबल, योग, एग, मीट, ईस्ट, ये सब चीजों को हम यूज करेंगे तो फोलिक एसिड बनेगा। तो इनके बिना अगर कोई डाइट हम लेते हैं तो वो सिंपली इंक्लूडेड अंदर इनएडिक्वेट डाइट। खास करके विलेज एरिया में देखा गया है वो एनर्जी के लिए किसी राइस पे या किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे बेस्ड होते हैं, तो उनकी कमी भी हो सकती है। सो इसीलिए जो फिजिशियंस हैं या जो बाकी गांव में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन लीफी वेजिटेबल और इस तरह के प्रोटीनियस और इस तरह के फोलिक एसिड रिच सब्सटेंस को यूज करने की सलाह देते हैं। अगला जो है वो है माल एब्जॉर्प्शन, इसके बारे में ऑलरेडी हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। माल एब्जॉर्प्शन कहने का मतलब है ये जो डाइट आप भले ही ले रहे हैं, आप इन सब चीजों को कंटेनिंग डाइट को भले ही आप ले रहे हैं, लेकिन इन डाइट में से वो जो फोलिक एसिड है इनका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, दैट इज सिंपली नोन एज अ माल एब्जॉर्प्शन। तो क्या है उनके रीजन जिनकी वजह से प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, बेसिक रीजन की आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कोलिक डिजीज, जो आपकी कोलोन है, आपके जो बेसिक पार्ट है, एलिमेंट्री पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के, इनमें कोई डिजीज हो, कोलाइटिस हो या इस तरह के कुछ और चीजें हो जो कि हिंडर कर रही होंगी उनके एब्जॉर्प्शन को, तो वो रिच मात्रा में होते हुए भी, सफिशिएंट मात्रा में होते हुए भी उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। और एक चीज यहां पे मैं आपका जो ध्यान है वो किसी दूसरे टॉपिक की ओर लेके जाना चाहूंगा। अगर आप आगे आने वाले सेमेस्टर में, अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर के हैं तो आगे आने वाले सेमेस्टर में आप कीमोथेरेपी पढ़ेंगे, एंटीबैक्टीरियल ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ेंगे,
तो आप जो एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म देखेंगे उनमें से एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ये भी कहते हैं कि हमारे जो ड्रग हैं वो बैक्टीरिया के फोलिक एसिड बनने के प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फोलिक एसिड फॉर ह्यूमन बीइंग, ऑल्दो दैट मैकेनिज्म इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ फोलिक एसिड, लेकिन वहां पे वो सिर्फ बैक्टीरिया के करस्पॉन्डिंग होते हैं. तो ये फोलिक एसिड बनने का प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है, आगे सेमेस्टर में भी आपके काम आएगा. सो आगे का कॉज बात करते हैं, जैसे क्रॉनिक अल्कोहलिज्म. अगर हम ऐसे प्रोटोकॉल के बारे में बात करें, पर्सन की बात करें जो कंटिन्यूअसली लंबे समय से अधिक मात्रा में अल्कोहल को कंज्यूम करता है, तो ये भी आगे जाकर के हमारे प्रॉब्लम कॉज करते हैं. ये रिलीज ऑफ दिस पार्ट ऑफ फोलिक एसिड कंटेंट को हमारे लीवर से अल्टर करते हैं, तो इनकी वजह से इम्प्रॉपर अवेलेबिलिटी होती है ड्यू टू क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से. सो द नेक्स्ट कॉज इज इंक्रीज डिमांड. अगर ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर हमारी बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है बेसिक वह है 0.1 mg, इसके अलावा कुछ ऐसे कंडीशन हमारे बॉडी में डेवलप हो जाए जो कि उस डिमांड को इंक्रीज करे, तो डेफिनेटली हमारी डाइट में भी उसकी डिमांड बढ़ेगी. और अगर उसको हमको सप्लीमेंट्री तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, एडअप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कमी कॉज करेगी. और ये कंडीशन दो ही हैं जो हमने डिस्कस किया, एक तो है आपका प्रेगनेंसी, दूसरा है लैक्टेशन, क्योंकि यहाँ पे आपके अलावा आप पे डिपेंडेंट कोई और भी आ जाते हैं जिनकी कारण से न्यूट्रिएंट की डिमांड ऑब्वियसली बढ़ने वाली है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गए. अब हम बात करते हैं इनके प्रिपरेशन की. तो फोलिक एसिड के क्या क्या प्रिपरेशन है, बेसिकली के डी त्रिपाठी में दो इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन के बारे में डिटेल से दिया गया है. ये है फोलिक एसिड, ये किसके फॉर्म में अवेलेबल होंगे. फोलिक एसिड बेसिकली हर एक प्रेग्नेंट वुमेन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लैक्टेशन को दिया जाता है, इवन गर्ल्स चाइल्ड को भी दिया जाते हैं, ताकि उनकी बॉडी में ब्लड का जो फॉर्मेशन लेवल है वो ऑप्टिमम लेवल पे रह सके. तो ये ओरल भी दिया जा सकते हैं, ये इंजेक्टेबल भी हैं. इनकी अगर डोज की बात करते हैं तो 2-5 mg पर डे का हिसाब से इनका डोज है. ज्यादा मात्रा में भी लेना सही नहीं है. सो अंडर द गाइडेंस ऑफ फिजिशियन यू हैव टू टेक दिस काइंड ऑफ मेडिसिंस इन एप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म एज वेल एज इन एप्रोप्रिएट डोजेस कंडीशंस कंसंट्रेशन या डोज. नेक्स्ट है इसका फोलिक एसिड के फोलिनिक एसिड के फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं. और अगर हम इनसे होने वाले जो इफेक्ट की बात करते हैं, इनकी कमी की वजह से जो इफेक्ट होगा इनके बारे में बात करते हैं, तो ये है एनीमिया. ऑब्वियसली फोलिक एसिड की कमी होगी तो एनीमिया की कॉज होगी. इसी एनीमिया की कमी एनीमिया को ठीक करने के लिए हम तो फोलिक एसिड ले रहे हैं. दूसरा है इपिथिलियल डैमेज, हमारे इपिथिलियल सेल भी डैमेज हो सकते हैं. तीसरा है वेट लॉस, जो इनकी कमी की वजह से प्रॉब्लम होगा वो होगा अनयूजुअल वेट लॉस. तो इस तरह से ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि फोलिक एसिड की कमी की वजह से देखने को मिलते हैं. सो फ्रेंड, अभी हमने देखा फोलिक एसिड के बारे में, चलिए अब देखते हैं हम विटामिन B12 के बारे में. तो चलिए अब हम देख लेते हैं इस वाले व्हाइट बोर्ड के सेक्शन में हीमेटिनिक्स के अंदर विटामिन B12 का, जिसे ही हम साइनोकोबालामिन कहते हैं. और ये जो है वो एग्जांपल है आपके खास करके इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अ मैच्यूरेशन फैक्टर. जैसा कि आपने पिछले वीडियो में और हमारे नया चैनल में भी देखा है व्हाट इज हीमोपोएसिस और व्हाट इज एरिथ्रोपोएसिस. तो ये जो मैच्यूरेशन फैक्टर है वो हमारे आरबीसीज के साथ साथ जितने भी ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, चाहे वो एरिथ्रोसाइट हो, चाहे वो आपके WBC हो या प्लेटलेट हो, इनके फॉर्मेशन के बनने को प्रोसेस को ट्रिगर करते हैं. बट जो मेजर इन्वॉल्वमेंट है वो इनका एरिथ्रोसाइट के करस्पॉन्डिंग ही है. और हम बात कर रहे हैं हेमेटिनिक्स की, तो हेमेटिनिक्स मतलब ऐसे ड्रग होते हैं जो कि आपके आरबीसी के बनने के प्रोसेस को ट्रिगर आउट करते हैं, उन सारे फैक्टर को प्रोवाइड कराते हैं जिनकी वजह से एरिथ्रोपोएसिस होना स्टार्ट करता है, जिनके अंदर हमने पहले ही बात किया एरिथ्रोपोएटिन भी आते हैं. सबसे पहले देख लिए विटामिन B12 का किसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होते हैं या किन किन जो मेन कंपोनेंट हैं इनका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कहलाता है विटामिन B12. विटामिन B12 इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म. किसका किसका? ये है साइनोकोबालामिन और हाइड्रोक्सीकोबालामिन. ये जो दो कंपोनेंट हैं, इन दोनों का कंबाइंड रूप से जो कॉम्बिनेशन है ये कहलाता है आपका विटामिन B12. और अगर हम बात करते हैं विटामिन B12 की प्रॉपर्टी की, कि वो कैसे वाटर सोल्यूबल है कि नहीं है, क्रिस्टलाइन है कि एमॉर्फस है, या उसका जो कलर क्या होता है, तो अगर हम बात करेंगे तो सीधा सीधा स्ट्रेट टू पॉइंट है आपका जो विटामिन B12 है इट इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन. क्योंकि आपको मालूम है कि विटामिन A, D, E, K के अलावा जो बाकी बचते हैं ये आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं, और ये जो A, D, E, K हैं ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन है. तो वैसे भी आपको याद होगा, बट ये जो विटामिन B12 का कॉम्प्लेक्स है इट इज अ वाटर सोल्यूबल. दूसरा थर्मोस्टेबल, यानी कि ये टेम्परेचर के ज्यादा विदस्टैंड करने की एबिलिटी रखता है, थर्मल को स्टैंड सह पाने की एबिलिटी रखते हैं, तो विटामिन B12 थर्मोस्टेबल भी हो गए. और अगर हम इनकी बात करते हैं नेचर की, एमॉर्फस हैं या क्रिस्टल हैं, तो ये क्रिस्टल हैं, रेड कलर के होते हैं. सो दिस
थ्री आर इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस पॉइंट रिगार्डिंग विटामिन B12 और साइनोकोबालामिन। ये फिर से एक बार चाहें तो रिपीट कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। दीज आर वाटर सोल्युबल, थर्मोस्टेबल एंड अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन एंड द कलर ऑफ दिस विटामिन B12 इज रेड कलर। सो आगे का हम बात करते हैं सिंथेसाइज बाय, ये किसके द्वारा सिंथेसाइज होते हैं। बेसिकली अगर ये आप पॉइंट देखेंगे तो ये एक जानने लायक बात है। विटामिन जो B12 है वो बेसिकली सिंथेसाइज होते हैं नेचर में और खास करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सिंथेसाइज किए गए विटामिन B12 को फिर ह्यूमन और प्लांट अपने फर्दर चीजों को यूज करने के लिए, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ग्रोथ फैक्टर को अचीव करने के लिए यूज करते हैं, वहीं से ये अचीव करते हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप बात करते हैं कि आपके डाइट में ऐसे कौन कौन से फूड सब्सटेंस हैं, फूड मटेरियल हैं जिनको अगर आप कंज्यूम करेंगे तो विटामिन B12 की अवेलेबिलिटी आपके बॉडी में थोड़ी सी इंक्रीज होगी। ये हैं लीवर, किडनी, सी फिश, एग योक, मीट। और अगर हम बात करते हैं वेजिटेबल सोर्स की या एकमात्र वेजिटेबल सोर्स की अगर आप बात करें तो ये हैं आपके लेग्यूमिनोसी प्लांट के और खास करके जिनमें पल्सेटिंग होते हैं वो। और ये जो इंपॉर्टेंट है, देखिए ओनली वेजिटेबल पॉइंट लिखा हुआ है, तो जो वेजिटेबल सोर्स हैं उनमें इकलौता यही है आपके लेग्यूमिनोसी कैटेगरी के फैमिली के जो प्लांट हैं और या इन्हीं को आप बोल सकते हैं पल्सेट कैटेगरी के प्लांट हैं। इनके जो जड़ों में हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इन्हीं की वजह से ये आगे जाकर विटामिन B12 को फिक्स करते हैं और थ्रू इनके आपको विटामिन B12 फ्रॉम डाइट सोर्स से मिलता है। तो अगर आप एनिमल सोर्स के बारे में बात करेंगे या नॉर्मल सोर्स की बात करेंगे तो ऊपर वाले पॉइंट है और नीचे वाला आपका वेजिटेबल का इकलौता सोर्स है। आगे हम बात करते हैं तो एक बेसिक डेली रिक्वायरमेंट क्या होता है एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के लिए, तो यह है आपके 1-3 mg आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ डेली डोज। सो इट्स अ डेली रिक्वायरमेंट। लेकिन जैसा कि हमने आयरन के केस में भी बात किया था, अगर सिचुएशन चेंज होती है, अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन डेवलप होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो कि ज़्यादा ऐसे हीमेटेनिक की डिमांड करते हैं, तो इसका डाइट बढ़ जाएगा। और खास करके इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द वुमेन हु इज प्रेग्नेंट। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अब ड्यूरिंग लैक्टेशन उनका जो फीटस का रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाता है, चाहे वो वूम में हो तो उनको ब्लड के थ्रू जितने न्यूट्रिएंट हैं इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और आफ्टर डिलीवरी लैक्टेशन के थ्रू इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड अलॉन्ग विद डिफरेंट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट which are already dissolved in a blood. So in that case, हमारा जो requirement होगा daily requirement आपके vitamin B12 का या तो cyanocobalamin का, ये होगा लगभग in case of pregnancy plus lactation, ये 3-5 mg per day के हिसाब से इनका requirement बढ़ जाएगा। और ये एक important point इसलिए भी समझ सकते हैं क्योंकि इनके कारण से आपके body में अगर आप pregnant woman हैं या अगर आप lactating woman हैं तो इनके demand के increase होने की वजह से आपकी body में vitamin B12 की demand बढ़ेगी। और अगर आपके diet से ये सप्लीमेंट्री पूरा नहीं हो पा रहा है तो आयरन या और कंटिन्यूट आप नहीं ले रहे हैं एज अ सप्लीमेंट, तो आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी और ये उस केस के लिए थोड़ा सा आपके लिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू सुटेबल नहीं होगा। दैट इज द रीजन कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी और ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड आपको अंडर गाइडेंस ऑफ फिजिशियन फोलिक एसिड, आयरन, इस तरह के जो हेमेटेनिक्स ड्रग हैं इनको दिया जाता है। तो रिक्वायरमेंट का रीजन यही टू है। अगला पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो देखिए विटामिन B12 इज एसेंशियल फॉर, विटामिन B12 तो वैसे इंपॉर्टेंट है लेकिन किन किन चीजों के लिए ये ज्यादा एसेंशियल है, तो ये बहुत ही सिंपल है। हमने पहला पार्ट डिस्कस किया था एनीमिया के केस में, तो ब्लड का लॉस हो जाना, या तो ब्लड का प्रॉपर ना बन पाना, या ब्लड का समय से पहले जो कि 120 डेज इसका डिस्ट्रक्शन डेज है इससे पहले डिस्ट्रॉय हो जाना, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाना, मेंस्ट्रुअल फेज के थ्रू ब्लड का ओवरलोड ओवर एक्सप्रेशन हो जाना, या तो कुछ और ऐसे रीजन जिनकी वजह से आपकी हीमोपोएसिस प्रॉपर नहीं हो पा रही है, और अदर फैक्टर की अगर आप बात करें तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन यहां भी इंक्लूड होगा, तो इनके कारण से ब्लड की कमी हो सकती है। तो ये जो आपके विटामिन B12 हैं, दीज आर एसेंशियल फॉर हीमोसिस्टीन कन्वर्जन ऑफ हीमोसिस्टीन इनटू मेथियोनिन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके कन्वर्जन के लिए। और यही दो पॉइंट आगे जाके देखेंगे किस लिए एसेंशियल होते हैं, तो इसके कारण से आगे जाकर के इनकी वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि हीमोसिस्टीन से मेथियोनिन कन्वर्ट होने के लिए ये तो एसेंशियल है ही आपके विटामिन B12। उसके बाद विटामिन B12 इज एसेंशियल फॉर सेल ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन, ये कन्वर्जन होगा। उसके बाद ये जो विटामिन B12 है वो सेल के ग्रोथ करने के लिए, साथ ही साथ जो सेल बन चुके हैं उनके मल्टीप्लीकेशन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन B12, अपार्ट फ्रॉम द हीमोपोएसिस और एरिथ्रोपोएसिस। सो दीज आर एसेंशियल विटामिन्स कंटेनिंग सब्सटेंस। अगली बात अगर हम बात करते हैं तो
विटामिन B12 ऑफ फूड इज रिप्लेस्ड बाय, बेसिकली अगर आप बात करते हैं तो किनके कारण से ये रिप्लेस होते हैं, या यू कहूँ इसको रिप्लेस करने के बजाय स्प्लिट कर ना लिया जाए, रिलीज कह लिया जाए, एक्चुअली ये रिलीज ही है, तो रिलीज कर लिया जाए, या जो विटामिन B12 का कॉम्प्लेक्स है वो किन किन एब्जॉर्बेबल फॉर्म में स्प्लिट होता है, तो वो दो कंडीशन में स्प्लिट होते हैं। पहला है प्रोटियोलाइसिस बाय गैस्ट्रिक एसिड, जब ये कंटेनिंग सब्सटेंस विटामिन B12 कंटेनिंग सब्सटेंस हमारी बॉडी में पहुंचेंगे, GIT में पहुंचेंगे, तो GIT में जो प्रेजेंट गैस्ट्रिक एसिड है इनके प्रेजेंस में ये स्प्लिट हो जाएंगे, ये रिलीज हो जाएंगे और आगे जाकर के ये एब्जॉर्ब होने लायक कंडीशन में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है विटामिन B12 इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इन कॉम्बिनेशन विद, जो विटामिन B12 है ये हमारे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, किसके साथ कंबाइन होकर के, इट इज ट्रांसपोर्टेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन और ट्रांस कोवालामिन 2, इन दोनों के साथ कंजुगेट होकर के विटामिन B12 हमारे ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म है। आपको ये पॉइंट आपके GPAT के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जो MCQs का आपके पैटर्न है अभी B5th सेमेस्टर में, इनके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अगर हम बात करते हैं डेफिशिएंसी की, तो ऐसा कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें हमें विटामिन B12 की कमी हो सकती है। एक्चुअली ये जो फैक्टर है वो इस तरह से भी समझा जा सकता है कि इन कंडीशन में हमारी बॉडी के लिए विटामिन B12 का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है, या तो उसकी अवेलेबिलिटी पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 है लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी होने के बावजूद हमारे बॉडी के किसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो अफेक्ट कर रहा है, माल एब्जॉर्प्शन हो रहे हैं जिनकी वजह से वो प्रेजेंट होते हुए भी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो इन्हीं को सीधा सीधा कह सकते हैं दीज आर द फैक्टर फॉर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। तो ये जो फैक्टर है वो क्या है, पहला है गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होते हैं, यानी कि आपके जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है इनका किस तरह से एरोजन हो जाए, डैमेज हो जाए, तो भी आपका जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन है ये अफेक्ट करता है। और बेसिकली अगर आप बात करते हैं गैस्ट्रोटाइटिस की, तो ये है आपके GIT की गैस्ट्रो इंटेस्टाइन की इंफ्लामेशन, जहां भी टाइटिस वर्ड आता है किसी भी वर्ड के बाद में आफ्टर प्रीफिक्स तो ये कहलाता है आपका उस पर्टिकुलर पार्ट का इंफ्लामेशन। तो अभी हमने देखा कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन की वजह से आपका जो एब्जॉर्प्शन विटामिन B12 है वो अफेक्ट हो सकता है। अगला जो पॉइंट है वो है माल एब्जॉर्प्शन, इसके बारे में भी हमने आयरन के केस में बात किया था, फोलिक एसिड के केस में भी बात किया था, माल एब्जॉर्प्शन यानी कि एब्जॉर्प्शन का प्रॉपर एक ऑप्टिमम लेवल पे ना हो पाना, और इसके बेसिक रीजन में से इन्फ्लेमेशन भी हो सकते हैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखा आपने, या तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज भी हो सकते हैं जो कि आपके बाउल को एवैक्यूएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इनके किसी भी ट्रैक में इन्फ्लेमेशन हो जाए और इसकी वजह से प्रॉब्लम हो तो वो भी दिक्कत कॉज कर सकते हैं, और इनके अंदर पाइल्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज डिमांड, ये बॉडी का फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन मैकेनिज्म है। अगर हमारी बॉडी आपसे ज्यादा विटामिन B12 या इसके पीछे का अगर बात करें बैकग्राउंड में ज्यादा आपसे ब्लड और ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन और बाकी जो न्यूट्रिएंट हैं इनकी डिमांड करेगी, तो डेफिनेटली हमारे बॉडी में अब उस पहले की कंडीशन की तुलना में अभी की कंडीशन में ब्लड की कमी हो जाएगी, एनेमिक हो सकते हैं, फोलिक एसिड की कमी हो जाएगी, बाकी जो कंस्टिट्यूएंट है इनकी कमी हो जाएगी, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमको एक्स्ट्रा सोर्स उसको सप्लीमेंट्री करना पड़ेगा, और ये दो सिचुएशन तो हमने काफी टाइम रिपीट किए हैं, ये हैं आपके प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, इन दोनों केस में और खास करके डेवलपमेंट के केस में, खास करके जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं इनके डेवलपमेंट फेज में आपको इन फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन B12 या एकदम सीधे तरीके से बात करें तो बैलेंस्ड डाइट की बहुत आवश्यकता होती है, और इन सब चीजों को देख करके आप तो अब समझ चुके होंगे कि हीमेटिनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना केवल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपकी बेसिक लाइफ में आपकी जो हेल्थ है इन कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। सो इसके साथ ही हमने आज हीमेटिनिक्स के छोटे से पॉइंट को काफी लंबे वीडियोस और एक्सप्लेनेशन वीडियो लास्ट के जो छोटे छोटे वीडियो में कंप्लीट किया है, तो एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, एक कंक्लूजन होगा सारे पार्ट्स का कि हीमेटिनिक्स क्या होते हैं। हीमेटिनिक्स ऐसे एजेंट हैं जो कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट ब्लड की अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ये ब्लड की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के पीछे का क्या रीजन हुआ, ड्यू टू सम नोन अननोन डायट्री फैक्टर, मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, अगर ये आपके बॉडी में ब्लड का लॉस ज्यादा हो रहा है या जो ब्लड है प्रॉपर डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, जो ब्लड है वो प्रॉपर बन नहीं पा रहे हैं, डिस्ट्रक्ट जल्दी हो रहे हैं, इनका ट्रॉमा की वजह से, इंजुरी की वजह से, ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से या अदर फोर्सेस की वजह से, अगर ये ब्लड का बॉडी से बाहर लॉस ज्यादा हो रहा है तो हमारी बॉडी में डेफिनेटली ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन, न्यूट्रिएंट और अदर चीजों की कमी हो जाएगी।
इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम जिन सोर्स को एक्सटर्नली लेते हैं ताकि वो आगे जाकर के इस ब्लड के फॉर्मेशन को ट्रिगर अप करें, बूस्ट अप करें, बैलेंस करें, रिप्लेस करें, तो इन सब्सटेंस को हम कहते हैं हेमेटेनिक्स। और इसके अंदर आपने तो बात किया वो है बेसिक तीन एग्जांपल, ये है आपके आयरन, आयरन के प्रिपरेशन चाहे वो ओरल हो चाहे वो पेरेंटरल हो। दूसरा आपने बात किया फोलिक एसिड, इनका भी जो डिफरेंट टाइप के प्रिपरेशन है। और अभी आपने इस बोर्ड में देखा कि विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामिन किस तरह से काम करते हैं। इनके जो डाइट सोर्स हैं ये आपको जानने होंगे क्योंकि ये इनसे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज अपने पर्सनल बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके जो रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्टिंग फैक्टर हैं या इनका जो नेचर है कि कैसा वो थर्मोस्टेट है, कि वो वाटर सोल्यूबल है, कि फ्रीली सोल्यूबल है, सॉल्ट फॉर्म सोल्यूबल है, कि उसका नॉर्मल फॉर्म सोल्यूबल है। आपने आयरन केस में ये भी देखा कि जो फ्री आयरन के फॉर्म है वो टॉक्सिक है और ये आगे जाकर के आयरन पॉइजनिंग भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इनका किस फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए हमारे इस लेक्चर के। सो फ्रेंड एट द लास्ट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको सारे पार्ट समझ में आए होंगे और अगर आपको कुछ फीडबैक देना है तो हमें उसका बहुत इंतजार रहता है। प्लीज डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स कि आपको हमारा जो एफर्ट है वो कैसे लग रहे हैं। एक जानकारी आपसे मैं और शेयर करना चाहूंगा, हमने नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी, जिसके अंदर हम हर एक रात को 8 बजे कोशिश करते हैं कि एक नए वर्ड को या कुछ यूजुअल वर्ड को आपको लेकर के आए। धीरे धीरे डाटाबेस स्ट्रांग होते जाएगा तो बाकी सारे सब्जेक्ट को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी होते हैं जो कि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको इस तरह से समझा जा सकता है कि ये अल्फाबेट हैं, इन्हीं को यूज करके टर्मिनोलॉजी को यूज करके आप कोई वर्ड बना सकते हैं। यही एक टेबल है जिसको समझ करके आप मैथ्स के फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो दीज टर्मिनोलॉजी आर बेसिक्स फॉर फार्मेसी, नर्सिंग, एमबीबीएस, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एंड ऑल दोस फील्ड व्हिच आर इंक्लूडेड द फार्माकोलॉजी मेडिकल टर्मिनोलॉजी। सो आई होप कि आप उस चैनल पे देखेंगे और आप उसको पसंद भी करेंगे। सो एट द लास्ट थैंक यू वेरी मच अगेन। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट तो हम इसको इसका और इसके पहले के व्हाइट बोर्ड वाले सेक्शन का दोनों का स्क्रीनशॉट अब आपको दे रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।